हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज इंग्लिश ग्रामर का डे है, यानी कि मैं सैटरडे और संडे आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो आज ग्रामर में जो है आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा, मेरा पहला स्टेप होता है आप लोगों को जुमलों को पहचानना। तो देखिए, मैंने पहचान लिखा हुआ है और इसके आगे लिखा हुआ है कि इन जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है। और टाइमिंग ज़रूर बताई जाती है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है टाइमिंग ज़रूर बताई जाती है। ठीक है, तो रहा होगा और टाइम होगा, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। मैंने निचले के टेंस भी लिखा हुआ है कि वो सुबह से स्कूल का काम कर रहा होगा। तो रहा होगा और टाइम सुबह, दोनों दिया हुआ, इट्स मीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसके बाद दीजिएगा फार्मूला या मेथड। आपको फार्मूला पता होना चाहिए और मैं हर सेंटेंस में या हर टेंस जब भी आपको सिखाती हूँ तो मैं अपना फार्मूला और मेथड हर बार लिखती हूँ ताकि आप लोग को आमने सामने जब हम सेंटेंस बनाएं तो इजी टू वे हो। ठीक है, तो देखिए फार्मूला है या मेथड, आप जो भी इसको कह लें, मैं दोनों लिख देती हूँ। हमारा सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस टाइम, क्योंकि टाइम हमारा जो है वो सेंटेंस के अंदर बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है, तो मैंने टाइम भी यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ। ये होगी हमारा नेगेटिव। हमारा इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव मीन नॉट, मना करने वाला जुमला, मनफी जुमला। सब्जेक्ट प्लस हैविंग वर्ब, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, यानी कि फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, यहाँ पर विल के बाद नॉट है, यहाँ शैल के बाद नॉट है, उसके बाद हैव बीन जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस टाइम। ठीक है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें आप सवाल करते हो क्या क्या क्यों कब कैसे। ठीक है, तो अगर हेल्पिंग इसमें आ जाता है हेल्पिंग वर्ब पहले विल और शैल। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे विल और शैल के बाद नॉट लगाया था, इस तरीके से इंट्रोगेटिव बनाते हुए भी हम जस्ट विल या शैल जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसको देखते हुए हम लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है प्लस हैव बीन, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर से आता आया है बिल्कुल वैसी है, प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क देखिए आगे मैंने लगाया हुआ है। अब हम अपना सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस है मेरा वो सुबह से स्कूल का काम कर रहा होगा। तो सेंटेंस में हमारा पहला स्टेप जो होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट को पहचानना। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? इसमें हमारा सब्जेक्ट हैगा वो। ठीक है, इसके बाद हमारा पहचानना होता है हमें हमारा वर्ब। इसमें हमारा वर्ब क्या है? काम। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जो है हमारा, इसके अंदर क्या होता है पहचानना? हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा स्कूल। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने तीनों पहचान लिए। ठीक है, हमने तीनों पहचान लिए, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा वो, काम कर रहा होगा यानी कि लड़का है तो ही लगेगा। उसके बाद है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, पर्सन को देख के लगाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की जो मैंने वीडियो अपलोड की है तो मैं इसमें आपको बता चुकी हूँ कि विल कहाँ लगेगा और शैल किस पर्सन के साथ लगेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ जो है वो विल लगेगा। ठीक है, He will have been, उसके बाद क्या है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या है वर्ब? क्या है? काम। ठीक है, काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्क। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब आई एन जी हो गया, तो क्या हो गया? वर्किंग। ठीक है, He will have been working, आगे से नहीं लिख रही मैं या नीचे लिख दे रही हूँ। He will have been working, उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है, मगर किसका? स्कूल का। तो ही विल हैव बीन वर्किंग, ऑफ स्कूल, वो स्कूल का काम कर रहा होगा। अब हमारे पास लास्ट में आए, देखिए वहां पे सेंटेंस में टाइम मेंशन किया गया, टाइम दिया गया, तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद लगाऊंगी टाइम। टाइम है हमारा मॉर्निंग। अब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट्स जैसे अगर आपको टाइम बताया जाता है तो मैंने बता चुकी हूँ कि उसके साथ सिंस यूज किया जाता है। और अगर आपके पास टाइम दिया हुआ हो यानी कि डिजिटल वर्ड्स में टाइम दिया गया हो, 4 o'clock, 3 o'clock, ठीक है, या 2 days, 5 days, ठीक है, तो वहाँ पे फॉर लगता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग यानी कि क्या लगता है? सिंस, सिंस मॉर्निंग।
ये बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ही विल हैव बीन वर्किंग ऑफ स्कूल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसका नेगेटिव कैसे हम बनाएंगे, देखिए नेगेटिव बनाते लोग कुछ भी नहीं करना है, आपको ये फार्मूला सामने दिया गया है, इसको आप देखते जाए, वर्ड्स को पुट करते हुए जाए, सिर्फ विल के बाद मुझे सिर्फ नॉट लगाना होगा, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑफ स्कूल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाते हुए क्या करना है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, इसी में से लेके करना है, सिर्फ आपको विल पहले लेके आ जाना है। मैं हमेशा नेगेटिव इसलिए नहीं बनाती क्योंकि अफर्मेटिव में ही नेगेटिव छुपा हुआ, तो सिर्फ आपको नोट लगा देना, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। इंट्रोगेटिव में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हमारे पास जगह चेंज हो जाती है, विल पहले आ गया, उसके बाद ही आ गया, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वही वर्किंग, उसके बाद ऑफ स्कूल सिंस मॉर्निंग एंड इंट्रोगेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेफ और सेफ मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि अगर आपको इसकी बस पहचान पता चल जाए जुमलों की, और आपको इसका फॉर्मूला पता चल जाए कि इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, कौन सी फॉर्म है, आप आराम से जो है वो सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम बहुत समझते हैं लेकिन हमें सेंटेंस, हमें टेंसेस बनाना नहीं आते, तो आप इस तरीके से सीखना सीखिए। आई होप मैं 100 of 100 कह रही हूँ कि आपको आराम से बनाना आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके अलावा जो है मैं 9th और 10th जर्नल एंड साइंस ग्रुप दोनों का जो है मैथ भी आप लोग को लेकर आती हूँ, तो मंडे टू फ्राइडे मेरा मैथ होता है, सैटरडे संडे मेरा ग्रामर होता है। तो अगर आप लोग इंग्लिश और मैथ किसी चीज़ में वीक हैंगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देख के लिए दी मुझे इजाज़त, बाय बाय।